नमस्कार। तो वायर बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं ऋतु तोमर और एक नज़र सुर्खियों पर। यूपी असम के बाद जेएनयू छात्र के खिलाफ दिल्ली, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में केस दर्ज। आंध्र प्रदेश में कैबिनेट का बड़ा फैसला, विधान परिषद खत्म करने के प्रस्ताव को हरी झंडी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, शाहीन बाग जैसी हजारों घटनाओं को रोकने के लिए हमें वोट दें। केंद्र ने एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की। पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित। और असम में केंद्र ने NDFP और ABSU के साथ बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और अब खबरें विस्तार से। असम और उत्तर प्रदेश के बाद नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोपी जेएनयू से PhD कर रहे छात्र शर्जील इमाम के खिलाफ अब नई दिल्ली, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि इमाम के खिलाफ IPC की धारा 121A, 124A, 120B और 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है। धारा 153 अशांति लाने की मंशा से विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता पैदा करने से संबंधित है। ये सभी मामले 16 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में दिए गए उनके भाषण के लिए दर्ज किए गए हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री के सलाहकार रजत शेट्टी ने ट्वीट कर कहा है कि शर्जील इमाम के आपत्तिजनक वीडियो का संज्ञान लेते हुए, जिसमें वो पूर्वोत्तर को देश से अलग करने की धमकी दे रहे हैं, शर्जील के कथित भड़काऊ भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद उनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। इन वीडियो में शर्जील इमाम को नागरिकता कानून के मद्देनजर असम में विरोध प्रदर्शनों को तेज करते हुए सड़क जाम करने को कहते सुना जा सकता है, ताकि सरकार उनकी बात सुनने के लिए मजबूर हो। इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में दिए गए भाषण को लेकर इसी आरोप में अलीगढ़ के थाने में भी शर्जील के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा असम और नई दिल्ली में शर्जील के खिलाफ सख्त आतंकवाद विरोधी कानून UAPA के तहत एक मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस के DCP राजेश देव ने कहा है कि ऐसा देखा गया कि बिहार के रहने वाले और नई दिल्ली के JNU से छात्र शर्जील इमाम ने NRC और CAA के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले उसने बीते साल 13 दिसंबर को नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में भी ऐसा ही भाषण दिया था। इसके बाद उसने सरकार के खिलाफ एक और भड़काऊ भाषण दिया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार पुलिस मिलकर शर्जील की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। अलीगढ़ के SSP आकाश कुल्हारी ने बताया है कि दो टीमों को शर्जील इमाम की गिरफ्तारी के लिए भेजा गया है। हम दिल्ली और बिहार पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भड़काऊ भाषण देने के आरोपी शर्जील इमाम को के बिहार के जहानाबाद स्थित पैतृक घर पर भी पुलिस ने छापेमारी की है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश में कैबिनेट ने एक अहम फैसला किया है। उसने एक प्रस्ताव पारित कर राज्य विधान परिषद को समाप्त करने की प्रक्रिया को हरी झंडी दिखा दी है। इस तरह का प्रस्ताव विधानसभा में भी लाया जाएगा और फिर इसे आवश्यक कार्यवाही के लिए केंद्र के पास भेजा जाएगा। आंध्र प्रदेश की 58 सदस्यीय विधान परिषद में YSR कांग्रेस 9 सदस्यों के साथ अल्पमत में है। इसमें विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी की 28 सदस्य हैं। सत्तारूढ़ पार्टी सदन में साल 2021 में ही बहुमत प्राप्त कर जाएगी, जबकि विपक्षी सदस्यों का 6 साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। दरअसल जगनमोहन रेड्डी की सरकार पिछले हफ्ते राज्य विधानसभा के उच्च सदन में राज्य में 3 राजधानियों से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करवाने में विफल रही थी। इसी के साथ राज्य विधानमंडल ने ये कदम उठाया। आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 नाम के इस बिल में विशाखापट्टनम को प्रदेश की कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया जाना प्रस्तावित था। सूबे के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी का कहना है कि 3 राजधानियों के जरिए विन्नीरु, नुधुलु और परिपालना यानी पानी, राजकोष और प्रशासन पर किसी एक क्षेत्र के बजाय पूरे राज्य की एक समान दावेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर निशाना साधा है। शाह ने बीते रविवार को बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की गई एक रैली में कहा कि इस बार कमल के निशान पर बटन दबाओ तो इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन बाबरपुर में दबे लेकिन करंट वहां शाहीन बाग में लगे। उन्होंने कहा कि भाजपा उम्मीदवार को आपका मत दिल्ली और देश को सुरक्षित बनाएगा और शाहीन बाग जैसी हजारों घटनाओं को रोकेगा।
जब आप 8 फरवरी को ईवीएम का बटन दबाएंगे तो इतने गुस्से में दबाना कि उसका करंट शाहीन बाग में महसूस किया जा सके। अमित शाह ने विभिन्न मुद्दों पर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित कई विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल प्रधानमंत्री मोदी ही देश की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। उन्होंने रोहतास नगर निर्वाचन क्षेत्र में एक अन्य चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोगों से पूछा कि क्या आप उनका वोट बैंक हैं? राहुल बाबा और केजरीवाल देश को बांटने के नारे लगाने वाले टुकड़े टुकड़े गिरोह को क्यों बचाना चाहते हैं? वे ऐसा अपने वोट बैंक को लेकर डर के कारण करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर झूठ बोलने और झूठे वादे करने का कोई सर्वेक्षण किया जाए तो केजरीवाल सरकार उसमें अव्वल आएगी। अमित शाह के इस बयान पर कांग्रेस नेता चिदम्बरम ने कहा है कि महात्मा गांधी का तिरस्कार करने वाले शाहीन बाग से मुक्ति पाना चाहते हैं। चिदम्बरम ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि शाहीन बाग महात्मा गांधी के मूल विचार का प्रतिनिधित्व करता है। इससे मुक्ति पाने का मतलब अहिंसा और सत्याग्रह से मुक्ति पाना है। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग में बीते लगभग एक महीने से अधिक समय से बड़ी संख्या में महिलाएं नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने सोमवार को भारी कर्ज से लदी एयर इंडिया के 100% शेयर बेचने की घोषणा की। सोमवार को जारी निविदा दस्तावेज के अनुसार एयर इंडिया के रणनीतिक विनिवेश के तहत सरकार कंपनी की सस्ती विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100% हिस्सेदारी बेचेगी। इसके अलावा एयर इंडिया के सिंगापुर एयरलाइंस के साथ संयुक्त उपक्रम यानी एयर इंडिया सेंट्स एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की भी 50% हिस्सेदारी बेची जाएगी। AI सेट्स हवाई अड्डों पर विमानों के खड़े होने और रखरखाव इत्यादि की सेवाएं देती है। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद एयर इंडिया का प्रबंधन भी सफल बोली लगाने वाले को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। 2 साल से भी कम अवधि में एयर इंडिया को बेचने की ये सरकार की दूसरी कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली बार सरकार का ये प्रयास असफल रहा था। आपको बता दें कि साल 2018 में सरकार ने एयर इंडिया में 76% हिस्सेदारी और प्रबंधकीय नियंत्रण निजी हाथों में बेचने के लिए टेंडर जारी किए थे। सरकार ने इस विनिवेश में बोली प्रक्रिया का इस्तेमाल करेगी और 17 मार्च तक एयर इंडिया खरीदने के इच्छुक पक्षों से रुचि पत्र मांगे जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से CAA को रद्द करने के अलावा NRC के क्रियान्वयन और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR के अध्यतन यानी उसको अपडेट करने की योजनाओं को निरस्त करने की अपील की गई है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने सदन में यह प्रस्ताव पेश किया। 3 राज्यों केरल, राजस्थान और पंजाब पहले ही नए नागरिकता कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी हैं। ये कानून राज्य में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच तकरार का नया मुद्दा बनकर उभरा है। एक ओर जहां तृणमूल कांग्रेस इस विवादित कानून का पूरी ताकत के साथ विरोध कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा इसे लागू करने पर जोर दे रही है। नागरिकता कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले गैर मुस्लिमों को आसानी से भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, लेकिन इसका तीखा विरोध भी हो रहा है। बीते महीने देश के अलग अलग हिस्सों में ये विरोध हिंसा में तब्दील हो गया, जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। अभी भी दिल्ली के शाहीन बाग सहित देश के कई इलाकों में इस कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा है। अदालत ने इस मुद्दे पर सरकार को जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता कानून पर अंतरिम रोक लगाने से भी इनकार किया है। कोर्ट का कहना है कि अब इस पर फैसला भी संविधान पीठ ही करेगी। नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 143 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें केरल सरकार की भी एक याचिका शामिल है, जिसमें इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। और अब बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने असम के उग्रवादी समूहों में से एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड यानी NDFB के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लंबे समय से अलग बोडो राज्य की मांग करते हुए आंदोलन चलाने वाले ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन यानी ABSU ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस त्रिपक्षीय समझौते पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, NDFB के 4 गुटों के नेतृत्व, ABSU, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग और असम के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि ये एक ऐतिहासिक समझौता है
उन्होंने ये भी दावा किया कि इससे बोडो मुद्दे का व्यापक हल मिल सकेगा। असम में बोडोलैंड का मुद्दा और इससे जुड़ा विवाद पिछले 6 दशकों पुराना है। बोडो ब्रह्मपुत्र घाटी के उत्तरी हिस्से में बसी असम की सबसे बड़ी जनजाति है। वो 1960 से अपने लिए अलग राज्य की मांग करती आई है। उनका कहना है कि उसकी जमीन पर दूसरे समुदायों की अनाधिकृत मौजूदगी बढ़ती जा रही है, जिससे उनकी आजीविका और पहचान को खतरा है। 1980 के दशक के बाद बोडो आंदोलन हिंसक होने के साथ ही 3 धाराओं में बट गया था। पहली धारा का नेतृत्व नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड ने किया, जो अपने लिए अलग राज्य चाहता था। दूसरा संगठन बोडोलैंड टाइगर्स फोर्स है, जिसने ज्यादा स्वायत्तता की मांग की है। तीसरा ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन यानी ABSU था, जिसने समस्या के राजनीतिक समाधान की मांग की। इस दौरान हुई हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान गई और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। उधर गैर बोडो संगठनों ने इस समझौते का विरोध किया है। उन्होंने आज इसके विरोध में 12 घंटे का बंद बुलाया है। इसके कारण असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के तहत आने वाले 4 जिलों कोकराझार, बक्सा, चिरांग और उदलगुड़ी में जनजीवन प्रभावित हुआ है। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।